आपके पास रुख करना पड़ेगा। शहीद इंस्पेक्टर परवेज के घर के अंदर पहुंचे हुए हैं अमित शाह, और साथ ही साथ आप देखिए आईजीपी वहां पर मौजूद हैं, उपराज्यपाल मौजूद हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है? आशा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब श्रीनगर एयरपोर्ट से अमित शाह चले गए थे तो उसके बाद सीधे वो इंस्पेक्टर परवेज के ही घर गए थे। मैंने शुरुआत इसी से की थी जी, और वो मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ तजमुल, कि तजमुल ने पहले ही ये बात हमें साझा कर दी थी, बता दी थी कि परवेज अहमद के घर वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन आगे की क्या कुछ बातचीत रही है, किस तरह से उन्होंने सांत्वना जताई है? बातचीत में साफ तौर पर मैंने पहले भी कहा और दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो भी पुलिस अफसर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान या मिलिटेंटों के तरफ से मारे जा चुके हैं, परवेज के बारे में मैंने जिक्र किया कि वो अपनी मस्जिद के अंदर जा रहे थे कि अचानक गोलियां चली इसी करीपोरा इलाके में, और यही एक बड़ा मैसेज था गृहमंत्री का कश्मीर पहुंचकर कि कश्मीर में जो पुलिस सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के जितने भी सीनियर अफसरान या जवानों को मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुए उनके घर पहुंचकर जम्मू कश्मीर में इनके फैमिली का एक न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है बल्कि उनसे ये मैसेज देने की जरूरत है कि पूरा कौम पूरा मुल्क जो है हाईएस्ट चेयर जो होम मिनिस्ट्री की है वो आपके साथ में खड़ी है। जराये के मुताबिक होम मिनिस्टर जब अंदर पहुंचे उनके साथ राज्यपाल, डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस और सिविल इंतजाम के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किन हालात में किस तरह से, और ये जो आप डीजीपी आईजीपी की मौजूदगी में फैमिली से मुलाकात करते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है कि किस तरह का हमला था, कौन लोग थे, किस तरह के थे, उसके बाद क्या कार्रवाई। अखबार टेलीविजन में हम बताते हैं कि पुलिस ने दावा किया कि आज एक मिलिटेंट को मारा गया जो कि इस किलिंग में मुलविस था, लेकिन होम मिनिस्टर अपने सामने इस चीज को एनालिसिस करते हैं कि जब ये हमला हुआ है तो ये इलाका किस तरह से है। ये कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आप कनीपोरा पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर परवेज के घर जाते हैं जो कि मिलिटेंटों के हमले में मारे गए। यानी जिस तरह से बार बार आरोप ये लगाए जाते थे कि जमीनी सतह पर उतर कर देखा जाए तो मंजर कुछ और होता है, और उसी जमीन पर आज गृहमंत्री की तरफ से उतर कर देखा गया है कि आखिर क्या कुछ कश्मीर के अंदर सूरत हाल बने हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से पलायन किया गया है बाहर से आए हुए लोगों की तरफ से। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ विंग्स हैं उन्हें ग्राउंड जीरो का पूरा तजुर्बा है कि किन हालात में कैसे क्या कुछ हुआ। उसके बाद गृहमंत्री की खुद ख्वाहिश थी, ये जम्मू कश्मीर से कोई प्रोग्राम नहीं गया है बल्कि जो प्रोग्राम यहां से दिया गया है वो डेप्यूटेशन और डेलीगेशन और डिनर पार्टीज वगैरह का है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान के घर जाना ये गृहमंत्री का खुद का प्रोग्राम है एमएचए की तरफ से, जिसका गालिबन ये मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर में हालात वाकयात बने हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं एक सीनियर ऑफिसर उनके घर जाता है। आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा जो भी पुलिस ऑफिसर या अहलकार मारा गया वहां तक कोशिश की गई, न सिर्फ पीडीपी की अधीक्षा वहां पे गई, न सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोशिश की वहां तक पहुंचने की, न सिर्फ डीजीपी आईजीपी और कंसर्न एसएसपी ने कोशिश की, जहां पर भी पुलिस अफसर या आर्मी का जवान लोकल हो मारा गया हो किसी, लेकिन गृहमंत्री का घर के अंदर पहुंचना उन लोगों का मनोबल भी बढ़ाता है तजमुल, जिनके साथ ये पूरी घटना जो है वो पेश आई होती है, और एक डर का माहौल अगर लोगों के अंदर पनपता है तो उसे खत्म करने की भी कोशिश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने की एक बार फिर से, और आपने देखा कि दोबारा से तजमुल के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले से ही तजमुल यहां बातचीत साझा कर चुके थे, लेकिन एक अपडेट लेना बहुत जरूरी था कि पूरी तरह से गृहमंत्री जब इनके घर के अंदर पहुंचे हैं, इससे पहले कोई भी प्रोग्राम ये फिक्स नहीं हुआ था, ये उसी वक्त यहां पर फिक्स हुआ है और चले गए हैं परवेज अहमद के घर में, और साफ तरीके से आपने देखा कि किस तरह से सांत्वना भी जताई गई है, और जाहिर तरीके से इन लोगों का आज मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जरूर नजर